ये पांच फैक्ट मैंने बताया आपको। काक चेष्टा बकुध्यानम स्वानिंद्रा प्रत्यक्ष अल्पहरी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये पांच लक्षण होने के साथ आपका सबसे बड़ा होता है गोल, गोल सेट होना चाहिए। गोल समझ रहे हो आप, टारगेट एम। आपका अभी क्या गोल है बताओ मुझे, आपका इस समय 10th स्टैंडर्ड में क्या गोल है, क्या करना चाहिए जिससे हमको पॉजिटिव इंप्रेशन आए, हमारा मार्केट में वैल्यू रहे, हमारे आजू बाजू वाले, हमारे सोसाइटी वाले, हमारे परिसर वाले नाम निकल सके। क्या गोल है अभी, आपने क्या डिसाइड किया, कैसा गोल होना चाहिए, कितने मार्क्स आना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए जिसके कारण लोग हमारा नाम निकाले या हमारा नाम ले। कोई ने अपना गोल, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई टारगेट लेके आए कि हमको 10th में करना, क्या परसेंटेज आना चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गोल सेट किया। आप बिंदास बताओ, इसमें डरने का नहीं, हमको आपसे क्वेरी करना है और आपको कुछ क्वेरी हो तो हमसे पूछना है, क्योंकि बोलते ना लक्ष्य के बगैर कोई टारगेट के बगैर बोलते ना दिशाहीन व्यक्ति होता है। अभी स्कूल आना आपका टारगेट है तो आप सीधे जाते हो कि नहीं, सुबह उठते हो फटाफट तैयार होते हो, प्रॉपर एक प्लेस पे आ जाते हो, स्टडी किया नहीं किया वो गगन में वो अपनी बात की बात, लेकिन एक टारगेट है अपना स्कूल आना। हमको बाहर गांव जाना है, सपोज हमको स्टेशन जाना है, कल्याण जाना है, गांव की गाड़ी पकड़नी, तो हमारा एक टारगेट होता है कि स्टेशन पहले टच करना है, कल्याण जाना है। तो ये जब गोल सेट रहता है तो हम उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने राइटिंग में एनालिसिस भी किया थी, मेरे में बहुत से लोग फाइंड आउट किया डिटेल्स, पर वो डिटेल्स अभी देना पॉसिबल नहीं इसलिए क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा है। एक व्यक्ति का डिसीजन देने में 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मली, उसका डिसीजन ऑफ पावर कैसा है, वे ऑफ वर्क कैसा है, माइंडसेट कैसा है। प्लेन पेपर पे एनालिसिस का रीजन ये है कि आपका माइंडसेट पता चलता है, आपका लेवल कैसा जा रहा है। बहुत से लोगों को मैंने फाइंड आउट किया बहुत स्मॉल राइटिंग यूज करते हैं, स्मॉल हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा छोटी यूज नहीं करते, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको भी क्लेरिफाई कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ये ध्यान देना जो मैंने 5 qualities बताई है वो आपको मेंटेन करने की कोशिश करना है। कितना टारगेट अचीव करते हो वो आप डिसाइड करो, कि सपोज ये 5 जो पॉइंट बताए मैंने, कैसे नींद लेना है, कैसा वर्क करना है, वो आप फाइंड आउट करो। फिर एक गोल बनाओ, ये गोल मैंने दिया है, ये गोल अपना सेट करो और ये गोल जो हम टारगेट में रखते हैं, सपोज हमने 95% लाना है, ये हमने गोल तो दिया, लेकिन जो हम डिसाइड करते हैं उससे आप इसको 5 से 7% रिड्यूस कर दो। मतलब हमारा एक फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या किया है, स्टडीज ए आर्ट। हर व्यक्ति स्कॉलर क्यों नहीं, आपके बीच में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 80 के अबव जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एवरेज ही रह जाते हैं। क्यों ऐसा, कभी आपने गौर किया है कि स्कॉलर स्टूडेंट में, सपोज अभी आपकी क्लास के मैंने एक दो नाम भी निकाले थे गर्ल्स के बीच में, तो ऐसे कौन है जो कि सपोज किसी एक का नाम मैं लेता हूँ जो 90 के ऊपर आता है, 85 के ऊपर आता है, कभी आपने ऐसा गौर किया है कि उसमें ऐसी क्या चीज है जो हमारे में नहीं, हम क्यों नहीं स्कॉलर बन सकते, हम क्यों नहीं 80 के अबव जा सकते, कभी आपने सोचा उस बारे में। आप कंपेयर करो, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है लास्ट ईयर का हो या 10th जिसने किया हो, जिसने स्कोर किया हो, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो इस लास्ट ईयर का रिजल्ट तो नॉर्मली ऐसे ही हो गया, इस बार तो फिजिकली एग्जाम होना है आपके, 100% फिजिकल होंगे, वैक्सीनेशन हो गया, फरवरी को सेकेंड वैक्सीनेशन हो जाएगा, 100% आपका फिजिकल एग्जाम होने वाला, और ये जो रिजल्ट रहेगा ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। तो आज से ही अपने को शुरू हो जाना है कि आप अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब एग्जामिनेशन में ये हमारी आंसर शीट जाएगी वो हमारी पर्सनालिटी है, लेकिन दो पार्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक स्टडी करने का भी आर्ट है, एक तरीका होता है। वो जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉपर टाइमिंग पे हमने ग्रोथ की, तो वो कुछ स्पेशल करते हैं, उनका थिंकिंग होती है, वर्क करने का वे ऑफ और डिसीजन ऑफ पावर जो होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है। आप कंपेयर करके देखो, जो बच्चे स्कॉलर हैं और आप अगर जो एवरेज है, उनमें सब चीज़ फैसिलिटी है, उनके पास भी घर है, हमारे पास भी घर है, उनका भी वही काम है, वही बैंक से वो लेकर, हम भी वही बैंक से लेकर, पर ऐसा क्या करते हैं जो 70 या 80 अबव चले जाते हैं और हम नॉर्मल रह जाते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हार्ड वर्क करते हैं, सिस्टमेटिक वर्क करते हैं। शॉर्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो एक वर्क लेते हैं, उस वर्क को प्रॉपर निभाते हैं। तो बस आज से आपको प्रण लेना है, एक ऐसा प्रण लेना है कि हमको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो मैंने उसमें रखा है 5 qualities ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट में 5 quality होनी ही चाहिए, और उस क्वालिटी को समझने के लिए एक शॉर्ट में संस्कृत में एक श्लोक है जो बरसों से चला आ रहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण।
किसी को समझ में आया? क्योंकि जस्ट रिपीट हो रहा है तो मुझे कभी ऐसा फीलिंग आता है कि किसी को ऐसा फील ना हो, तो इसका मैं ये पूरे 5 पॉइंट है इसमें। अगर इस लोग समझ लिए दैट मींस आपने लाइफ में बहुत बड़ा एक गोल अचीव कर लिया। काट चेष्टा, क्रो के समान सतर्कता होनी चाहिए। क्रो होता है ना, कौवा, देखा आपने कभी? कभी अगर नहीं देखा है फिर से देखो। कभी वो बैठा है ग्रुप में और आप पत्थर उठाओ पट से सतर्क हो जाता है, पट से किसने मूव कर रहा मतलब सतर्क हो जाता है, बिल्कुल ऐसा एक्टिवनेस रहता है उसमें। तो वो एक्टिवनेस एक स्टूडेंट में होना चाहिए। सेकेंड बको ध्यान, बगुला देखा है आपने कभी? बगुला उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत पावरफुल होता है, वो एक तालाब के पास ही बैठता है तो देखता फिश कहाँ है, फिश इसी पट से पकड़ता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसा होना चाहिए, वैसा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी बॉडी में, चेंजेस लाना है उसमें। क्रो के समान सतर्कता, बगुले के समान एकाग्रता, और नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते के समान। कुत्ता कैसा होता है? ऐसा लेटा है, जैसे कोई जरा सी हार्ट होती है पट से एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड पे आ जाता है। बस ये नहीं कि अगर कोई वेल मार रहा है और आप सोए पड़े हो, आपका टाइम निकल रहा है आपको ही मालूम नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है। श्लोक में बहुत कुछ है, ये श्लोक सिर्फ बताने के लिए, इसका इंटरनल में आप जाते हो तो बहुत डीपली इसका महत्व है पर्सनली। फिर उसके बाद हो गया अपना अल्पाहारी। अल्पाहारी दैट मीन्स अभी जो टाइम बचा है इसे बनना, हाफ मंथ है आपके पास, मोटा मोटी पकड़ो तो 1 मंथ है, जस्ट 1 मंथ ओनली। तो अल्पाहारी मतलब इस समय आप प्रण ले लो कि मुझे थोड़ा लाइट डाइट लेना है, नाइट के समय खाना कम खाना है। अल्पाहारी का मतलब रेगुलर बताया गया, बट जो मैं ये बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बता रहा हूँ। अल्पाहारी मतलब अभी से कोशिश करो, नाइट के समय जब स्टडी मोड पे रहो, स्टडी करना है हमको, तैयारी करना है, तो उस समय आप लाइट फूड लो। दिन में अगर आपने हैवी खा लिया ठीक है, बट लाइट खाना नाइट में खाओ, ताकि अगर आपको लंबा पड़ना है, सपोज 11 o'clock 12 o'clock 1 o'clock तक आपको जाना है, क्योंकि ये वो समय है जब आपको नींद को त्यागना है और मोर स्टडी करनी है। बिकॉज रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए, एवरेज चाहिए तो वॉट एवर, लेकिन हमको अगर अच्छी स्टडी करनी है, सिस्टम से करनी है, तो हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेट नाइट पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा फूड लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे हमारी बॉडी पे कुछ नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाए। सिंपल सी बात, मॉर्निंग में भी अगर आपको लगा कि 12-1 बजे तक पढ़ने के बाद हम सुबेरे 5 बजे या 6 बजे उठ जाए, 5 घंटे की नींद सफिशियंट है इस समय। प्रण ले लो अगर पढ़ना है तो, अगर एवरेज रहना है तो बस। और आज बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन का दौर है, आज छीन के लेना पड़ेगा, छीन के लेना पड़ेगा। आज मेरी बेस्ट स्टूडेंट भी है जिसका मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा कि देखो कि मोर स्टडी करने से, वर्क हार्ड करने से कहां से कहां पहुंच सकते हो। ऐसे टिटवाला में बहुत एग्जाम्पल मेरे पास है, 20 ईयर्स में स्पीड में हूँ, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लासेस वगैरह कंडक्ट करता हूँ, पूरी नेचर पर्सनैलिटी थ्रू हैंडराइटिंग हम चेंज करते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बन दिए, लेक्चर हमारा बहुत जल्दी में हो गया, तो इसलिए इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ कि मैं सबको लेके आता, अदरवाइज मैं आपको प्रोजेक्टर में सब फीचर्स दिखाने वाला था कि लोग कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते, कैसे माइंडसेट चेंज करते, कैसे मैंने स्लो लर्नर लोग को पॉजिटिव किया जिनके माइंडसेट ओके नहीं थे, हमें सेट किया। तो वो एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता। सपोज अभी तो मैं जुड़ा रहूंगा तो वो चीज़ें मिलेंगी आपको, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ शॉर्ट में कि मतलब आपकी 5 क्वालिटी में अल्पाहारी आ गया कि लाइट फूड लो और स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में ही बताना पड़ेगा मुझे, ताकि वो टर्म सब चीज़ समझो। लाइट फूड लेने का बेनिफिट बता दिया कि इस समय आपको लाइट फूड लेना है क्योंकि स्टडी है और 1.5 मंथ में एग्जाम है आपके, 1 मंथ ही पकड़ो प्रैक्टिकल चलो जनरल, तो ये टाइम पे आप मोर स्टडी कर पाओ। लाइट फूड लोगे तो इजीली आपको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप सुबह अर्ली उठना पड़ा लो, या तो लेट नाइट ज़्यादा पढ़ो और सुबह थोड़ा सा रिलैक्स होकर लो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना गृह त्यागी। गृह त्यागी का मीनिंग कोई बता सकते हैं? हाँ मेरी रिक्वेस्ट है जब भी अगर सपोज आपने एक गोल सेट कर लो घर में और अपने मोबाइल पे और हर जगह वहां रखो जो चीज आप पहले देखते उठ के, तो गोल सेट करो अपने हिसाब से, गोल बनाओ कोई 80% कोई 85% जो उनको लगता है, वो गोल सेट करने के बाद एक टाइम टेबल जरूर बनाओ। अभी गोल सेट हो गया आपका, टाइम टेबल है क्या? गोल तो सब लोग बोलते हैं कि मेरे को 95% आएगा मैं तो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमारा कुछ टाइम मैनेजमेंट है, कुछ हम स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से, स्कूल आपकी हेल्प कर रहा है, प्रिपरेशन करा रहा है, पेपर वर्क ले रहा है, प्रैक्टिस पेपर ले रहा है, एक ये सेकेंड होती है अपनी क्लास जहाँ पे आप ट्यूशन लेते हो, कोई भी क्लासेस में जाते हो वहाँ पे भी प्रीलिम्स चल रहे हैं। इस समय ये सिचुएशन है कि कंटिन्यू प्रीलिम्स कंडक्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है, स्कूल भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास जो 3 आवर्स का टाइम है, 3 घंटे का 80 मार्क्स का जो पेपर है, वो आपका टाइम पे होगा कि नहीं? मैडम से मेरा जो डिस्कशन हुआ वो मेनली इसी पे हुआ कि 10th का पेपर 3 आवर्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बात अलग है कि हमारी तैयारी कितनी है,
किसी का इनकम्प्लीट नहीं रहता तो हो जाएगा 3 आवर्स में, लेकिन जो स्कॉलर स्टूडेंट है जो एक्चुअल है तो वो 3 दिन में कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड कैसी होना चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। इसके बाद अपन एक टाइम टेबल बनाओ, जो डिफिकल्टी है जिन सब्जेक्टों में, बेसिकली मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें बेसिकली डिफिकल्टी होती है, तो वो डिफिकल्टी फाइंड आउट हो रही कि नहीं हो रही, सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही, हमारा अपना प्रिपरेशन है कि नहीं, कहीं पर कम हो रहा है, दोबे सर कितने बढ़िया हैं आपके मैथ्स के, दोबे सर से डिस्कस कर लो, कोई आपका कोई टेक्नोमेट्री है, कुछ भी चैप्टर छूट रहा है, मान लो कुछ ऐसा है जो हार्ड पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ भूल जाओ टेंथ में सब मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते बनाए हुए होते आपको डायरेक्टली तो आएगा ही नहीं कि सीधा सीधा आपको लेसन नंबर 2 का ये वाला क्वेश्चन आ गया, सब बनाए हुए क्वेश्चन रहते हैं। बेसिकली आप जो भी मैथ्स में आप कुछ भी मिलेगा आपको डायग्राम मिलते हैं या कुछ भी मिलते हैं आपके वो जितने भी हैं वो सब बनाए हुए रहते हैं, उसमें डायरेक्टली आपको नहीं मिल जाएगा, तो आप कुछ ऐसे चीज अनसॉल्व पेपर लो सॉल्व करो उनको, तो वो सब प्रिपरेशन करो, टाइम टेबल उसका बना के उस रूपरेखा से वर्क करो, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट हो रहा है, अपने को ये देखना है कि हमने टारगेट बना के उस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो आपको वैसा करना है, और ऑटोमेटिकली उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जैसे जैसे करते जाते हो उतना सेट होते जाते हैं कि हमारा ये तैयारी हुई अभी मैथ्स का ये चीज़ सॉल्व कर लिया, और 99% तो मुझे लगता पोर्शन लगभग कंप्लीट होने पर होगा, तो हो गया है तो एक बार उसको वापस से रिपीट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल भी करा रहा है प्रैक्टिस पेपर के थ्रू, तो अगर हमारा कहीं रह जा रहा है तो करो। मैं यही चीज़ बार बार बोलना चाहता हूँ कि टेंथ दोबारा नहीं मिलेगा, आज मैंने 30 ईयर्स पहले टेंथ किया था, आज हम लोगों को अफसोस होता है कि उस समय मैंने 65% 80% 70% आया, मुझे आज अगर आपको बीच में मिल रहा है कुछ बोलने को तो ये इसलिए मिल रहा है कि हम आपको वो पहलू का बताएं, नहीं तो कल अफसोस होता है अरे यार कोई इस समय मिला नहीं कोई समझाने वाला, कि समझाया होता तो शायद मैं और अच्छा ले आता। अभी आपको मैं अपने बेस्ट स्टूडेंट से मिला रहा हूँ तेजल पाटिल मोहन, कोई तो 50